लगभग एक माह पूर्व रीवा के ग्राम भटलो में हुई की हत्या पुलिस ने स्थानीय कंट्रोल रूम में खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बाईस अगस्त को आपने देखा था एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात हम लोगों को कुछ लोगों पर संदेह था, जिन लोगों पर हमको डाउट था हमने उन लोगों को लगातार नज़र में रखा और किसी को बिना डिस्टर्ब करते हुए पहले अपना साक्ष्य संकलन किए और जब हमको फाइनली पूरी जानकारी पुख्ता हो गई यही व्यक्ति हमारे आरोपी हैं, तो हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे कई सवाल ऐसे पूछे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। तो इस तरह लगातार इस टीम ने उन्हें विभिन्न प्रश्न पूछकर क्रॉस चेक किया और फाइनली उन लोगों ने फिर अपना अपराध कबूल किया। इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उनकी बहू, चूँकि उनके बालक की डेथ हो चुकी थी, बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बहू और उनके एक साथी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना को अंजाम देने के बाद जो ये आरोपी है ये कुछ दिनों के लिए आसपास रहा, फिर लौट के आके वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो हमारा लगातार प्रयास था कि किसी प्रकार से कोई हमारा आरोपी ऐसा ना उसको समझ में आए कि हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और इस टीम ने लगातार अच्छा काम करके इसको ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, दोनों आरोपी हमने राउंड अप कर लिए हैं। अभी इनसे पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेशन में और भी जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे आपको हम इसमें ब्रीफ करेंगे। महिला से उसका क्या संबंध था, युवक और युवक का? युवक और महिला के बीच के संबंधों को लेकर ही ससुर ने आपत्ति व्यक्त की थी और कुछ जानकारियाँ ही मिली हैं कि संभवतः घटना के दिन पहले उनके बीच में विवाद भी हुआ था, तो डायरेक्शन वो जा रहा था, पर हम उसको किसी प्रकार से ये नहीं चाहते थे कि कुछ डिस्टर्ब हो, इसलिए हमने इसमें पर्याप्त समय लिया।